नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल याराना में। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो भी अभी नया रिचार्ज ऑफर आया है उसको कैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन रिचार्ज की। पहले तो कंपनियां बोल रही थी फ्री, मतलब फ्री फ्री एयरटेल भी फ्री बोल रहा था, और वोडाफोन भी और आइडिया भी, ये सब कुछ फ्री बोल रही थी। अब जियो ने थोड़ा कम किया था, जियो ने तो बढ़ाया था, तो सभी लोगों ने बता रहा था कि फ्री मतलब फ्री, फ्री मतलब फ्री। तो अभी मैं आप लोगों को चले ही दिखाता हूँ एयरटेल का और आइडिया का और वोडाफोन का कितने कितने का अभी रिचार्ज हो गया है। तो अभी तो जियो का तो अभी बदला नहीं है, वही प्लान है, वो जो IOC चार्ज लगता था वही प्लान है। और अभी जो ऑफर आया है, अभी जो चल रहा है, कुछ अभी कुछ आज चेंजेस हुए हैं 3 दिसंबर को, तो मैं उसी ऑफर्स को दिखाऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को चलता हूँ पहले एयरटेल के पास। तो दोस्तों एयरटेल का अभी मैंने कुछ इसमें नंबर डाल दिया, और नंबर डालने के बाद अभी यहाँ पे दिखा रहा है 148 रुपये का। दोस्तों 148 रुपये तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 GB डाटा भी मिलेगा, और यहाँ पे इसका भी डिटेल करेंगे, तो यहाँ पे भी डिटेल करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 1000 मिनट, मतलब कि आपको 1000 मिनट मिलेगा, बस किसी अदर नेटवर्क पे कॉल कर सकते हैं। 1000 मिनट आपको अदर नेटवर्क पे कॉल करने का मिलेगा, बाकी एयरटेल एयरटेल फ्री अनलिमिटेड रहेगा, एयरटेल एयरटेल अनलिमिटेड रहेगा, बाकी अदर नंबर पर आप कॉल करेंगे तो 1000 मिनट मिलेगा बस। दोस्तों ऐसा ही यहाँ पे मैं छोटे 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 प्लानों को दिखा रहा हूँ। और अगर आप स्मार्ट पैक, जैसे कि अभी जो 35 रुपये का रिचार्ज था अभी हो गया है 49 रुपये का, अभी जो 35 रुपये का रिचार्ज था अभी अगर आपको सिम चालू करना है, सिम चालू करने के लिए भी 35 रुपये देना पड़ेगा। अगर 28 दिन तक तो आपको सिम चालू करना है तो 35 रुपये देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको टॉक टाइम मिल जाएगा 38 रुपये 52 पैसे का है। और ये हुआ एयरटेल का प्लान। और मैं चलिए चलता हूँ आइडिया के प्लान के पास। दोस्तों आइडिया भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, तो बस फर्क इतना है, 1-1 रुपये का फर्क है। दोस्तों आइडिया वो एयरटेल 148 में दे रहा है, और आइडिया दे रहा है 149 रुपये में। आइडिया और वोडाफोन एक ही है, तो इसलिए आइडिया और वोडाफोन 149 में दे रहा है। दोस्तों 149 में दे रहा है, अभी इसका व्यू डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे ये भी 1000 मिनट FUP प्लान, अभी आप अभी प्लान देखेंगे आपको FUP प्लान देना पड़ेगा 1000 मिनट। अगर आप किसी भी नंबर पे बात करते हैं 1000 मिनट अलग से 1000 मिनट आपको मिलेगा। अगर अदर नंबर पे जैसे कि आइडिया आइडिया करते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं देना होगा, फ्री रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप किसी अदर नेटवर्क पे करेंगे तो आपको 1000 मिनट मिलेगा बस। और अभी चलते हैं हम अदर, और भी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लान हैं, सभी में ऐसे ऐसे मिलता रहेगा। और अभी हम चलते हैं वोडाफोन के पास। वोडाफोन भी ऐसे ही कर रहा है दोस्तों, वोडाफोन भी 149 रुपये। दोनों देखिए, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, एयरटेल 148 को दे रहा है और वोडाफोन 149, बस केवल केवल 1-1 रुपये का फर्क है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम आ गए हैं वोडाफोन पे, तो वोडाफोन का हम प्लान दिखा देते हैं आप लोगों को। दोस्तों वोडाफोन में आप 149 रुपये का देखेंगे तो बाउंस कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, 1000 मिनट यहाँ पर भी मिलेगा, 6 पैसे पर मिनट। अगर आप 1000 मिनट बात करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा बात करते हैं तब आपको 6 पैसे पर मिनट देना होगा, वो भी 28 दिन के लिए। तो दोस्तों 6 पैसे पर मिनट अगर आप 1000 मिनट बात करने के बाद, और वोडाफोन और आइडिया, अगर आप वोडाफोन और आइडिया में कॉल करते हैं तो आपका अनलिमिटेड रहेगा, वोडाफोन प्लस आइडिया में कॉल करते हैं तो आपका अनलिमिटेड रहेगा, और अगर आइडिया से भी वोडाफोन में करते हैं तब भी आपका अनलिमिटेड रहेगा। दोस्तों वोडाफोन और आइडिया एक ही कंपनी है, तो ऐसा है कि वोडाफोन और आइडिया एक ही कंपनी है, तो इसीलिए दोनों अपना फ्री कर दे रहे हैं। अभी जियो का तो प्लान वही चल रहा है फिलहाल, तो दोस्तों जियो का प्लान IOC चार्ज वाला ही चल रहा है। अभी जियो का प्लान में कोई अभी चेंजेस नहीं हुआ है, 6 तारीख के बाद इनका भी चेंजेस हो जाएगा। अगर आप लोग अभी प्लान कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, 6 तारीख के बाद इनका भी प्लान चेंज हो जाएगा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया, और अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये कि एक न्यूज़ वीडियो थी, मैं इसको भी एडिट नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना यार, क्योंकि मैं और ऐसी नई नई टॉपिक से वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग अर्निंग से रिलेटेड मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो वीडियोस देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगी वीडियो। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।